दिस इज़ मोनी गिल और मेरे साथ आज बहुत ही खास मैं कहूँगी खास इसलिए क्योंकि इनकी एक्टिंग की मैं कायल हो गई हूँ। हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं इनका देखा, थोड़ा सा मैंने प्रोमो देखा इस मूवी का एंजल विद इन। मेरे साथ हैं नूर नगमी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नूर जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी सबसे पहले, हम लोग आज यहाँ पर स्टर्लिंग में हैं रिगल सिनेमा में, सारिश जी की नई मूवी आई है, आप थोड़ा सा इसके बारे में बताएं हमें। देखिए, मैं फिल्म के बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता क्योंकि मैंने फिल्म अभी देखी नहीं है। okay. मैंने थोड़ा सा ट्रेलर ज़रूर देखा है, लेकिन ट्रेलर देख के आप पूरी फिल्म के बारे में नहीं बता सकते। नहीं बता सकते, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे और मेरी दुआ है कि ये फिल्म अच्छी हो क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त एक बहुत बड़ी हिट ज़रूरत चाहिए, तो हो सकता है कि ये फिल्म हो। और सारिश जो हैं मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं, इस पूरी टीम के जो लोग हैं, सैयद नूर मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, अकीका उडो मेरे साथ एक टीवी सीरियल जुनून में काम कर चुकी हैं, बैरोज़ जो हैं वो मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, तो नदीम साहब, यू नेम इट, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब के साथ मैंने एक फिल्म शेरुद्दीन सुल्तान में काम किया। तो ये अच्छा, और मज़े की बात ये है कि जो आदिल है, आदिल मुराद, उनके फादर के साथ मैं एक फिल्म में काम कर चुका हूँ, तो ये सारे लोग जब मैं देखता हूँ कि ये पूरी टीम, तो मुझे लगता है जैसे मेरे अपने लोग हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह करे ये फिल्म हिट हो और इस तरह से बहुत ज़्यादा फिल्में यहाँ। देखिए कितनी खुशी की बात है कि दुनिया का कैपिटल वाशिंगटन, वहाँ इस फिल्म का आज प्रीमियर है। बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल जी। तो ये बहुत अच्छी बात है। ग्रेट। अच्छा, अभी मैं आपको, क्योंकि आपने कहा कि अभी आपने मूवी नहीं देखी, इसका मतलब आपको दोबारा पकड़ना पड़ेगा जी, ताकि मैं बाकी आधा इंटरव्यू उसके बाद लूँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी हमारे स्टूडियो में भी। ठीक है, थैंक यू। आज हम लोग यहाँ पर हैं रिगल सिनेमा सेंट्रली, जहाँ पर मूवी का हम लोग प्रीमियम देखने आए हैं चैन आईना। जी हाँ, हमारी DMV की स्टार सारिश खान जी इसमें काम कर रही है। आई एम रियली प्राउड ऑफ हर। और मेरे पास यहाँ पर पाकिस्तान एंड इंडिया इंक्लूड माई सेल्फ, दो अलग अलग कंट्री के जोनर हम लोग खड़े हैं और चाहते हैं कि अपना अपना हम लोग बताएं कि क्या हमें लगता है कि कैसी मूवीज आनी चाहिए और क्या क्या हम आगे देखते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करती हूँ शशि जी का। शशि जी, आप अपना एक तो पूरा नाम बताएं और बताएं कि आप यहाँ पर आई हैं तो आप क्या देखना चाहेंगी और आपको क्या लगता है कि आपको पाकिस्तानी मूवी देखने में कैसी लगेगी। थैंक यू मोनी गिल गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। आई लव टू सी इंडियन पाकिस्तानी मूवीज एंड आई होप वी विल गेट मोर ऑफ दीज मूवीज एंड वी वॉन्ट टू प्रमोट इंडियन एंड पाकिस्तानी कल्चर फ्रेंडशिप एंड being the ambassador for peace, I would like to work on that we will be more united and we bring the united program very for nice. Both countries. Very nice. So, all right, now I'm gonna back to my dear beautiful friend Nayab. सबसे पहले नायाब जी को मैं कहूँगी congratulations, ये बाद में बताऊँगी कि किस चीज़ के लिए। और नायाब से पूछना चाहूँगी, ये बताएं कि सारिश को आप कितने टाइम से जानती हैं। I've known her for 8-9 years now. Wow. Very long time. So, आपने कभी सोचा था कि वो इतनी जल्द इतनी तरक्की कर लेंगी या एक्टिंग में जाएंगी? Oh yes, हम लोग शुरू से we've been pushing her कि daddy you're born to do this. I'm sorry I call her daddy, but she's born to do this. Like she didn't think she wanted to do that in the beginning because it was school, law, everything. But you know, after everyone else believing in her and more importantly her believing in herself, she has done amazing job. She wow. really has, and I couldn't be more proud of her. Like this is like a dream come true, and she has an ability to do anything and everything as long as she puts her heart into it. Anything is possible for anything her possible. Actually मैं एक और ऑप्शंस, आप उसको इतनी अच्छी तरह से जानती हैं सारिश को, ये बताएं कि आप उनमें नेक्स्ट क्या ढूंढती हैं कि नेक्स्ट उनको क्या करना चाहिए, शी कैन डू इट, जो डिफिकल्ट चीज हो। वेल
She's already doing modeling. She's done two movies already. I can see her in Bollywood next. Yeah. Because everyone says she looks so much like Deepika Padukone, and that's yes. So true. Yep. She's like a twin of her. So I feel like if she gets a movie with her or any other Bollywood movie, I think she'll outdo herself. So great. I can see her doing that in the near future, like very soon. So watch out for her. Great. Lo ji, jaate jaate hum log Sarish ko kahenge good luck. Good luck, daddy. I have a very beautiful lady here. Please introduce yourself and tell us about yourself. Hi, I'm Uzma Safraz. I'm the publisher of Who Media. I had the pleasure of meeting Sarish at the United Nations when Maliha Lodhi was hosting the film festival, and she had a tremendous, I think, 1 week event, and Sarish was a showstopper. Of course, her grandmother, Sabiha Khanum, is the show stealer. She was a show stealer in New York also, and even today there are people who've come all the way from different countries to come see her today. So it's a pleasure to have Sarish do this here because she's a local girl and this is her local local movie theater. So it's fantastic. Great. Have you watched the promo yet? I have not, so we're all going to be very excited about seeing it. So it's like it's going to be a surprise for you, basically. Yes, it is going to be. I'm looking forward to it. She's a very talented girl. Yeah, she is indeed. I'm here from a local in DMV area. DMV, we call it Washington, D.C., Maryland, and Virginia. So all together, we combined and it become a DMV, fantastic. Short form. So I'm here in DMV area, and I have seen her growth very much, and she's a multitasker. And as you said, you came all the way from? Well, from New York and Dubai. Wow, hats off to you. Sarish, good luck. We would like to say good luck. And would you like to say something? And you know, she's very talented, not just as Miss Pakistan USA, she's also a lawyer. She's a very accomplished young lady. So it's a pleasure to know her and we're all supportive. Thank you so much. Thank you. Appreciate your time. Hi, this is Alka Yagnik and you're watching me on Next TV. Keep watching.